हेलो बच्चों, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए आप लोग के लिए क्या अपडेट आ रहा है। झारखंड अधिविद परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आप लोग के लिए अपडेट आ रहा है। जो भी आप लोग मैट्रिक के बच्चे थे, है ना, माध्यमिक और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में देखिए ट्वेल्थ वाला का बात किया जा रहा है। कला जो आर्ट्स से थे, विज्ञान साइंस जो वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स से थे, उनका 24 मार्च का एग्ज़ाम जो आप लोग का डेट है वो आप लोग का थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो देख लेते कब कब का डेट आप लोग को दिया हुआ है। इतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या आप लोग को दिया हुआ है कि क्रम में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम है कला आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का, है ना, उसमें 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं अभिभावकों प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि आपका जो पूर्व ज्ञापित परीक्षा जो 24 मार्च को था, 24 मार्च को आप लोग को पता होगा कि मैट्रिक वाले बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम था, है ना, और बाकी आर्ट साइंस और कॉमर्स वालों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम था। देख लीजिए पहले क्या था, पहले देखिए आप लोगों का क्या क्या था। देखिए पूर्व ज्ञप्ति में परीक्षा कार्यक्रम ये था, है ना, 24 को आप लोग का मैट्रिक वालों को फर्स्ट सीटिंग में आप लोग का मैथमेटिक्स था, और इंटरमीडिएट वालों का सेकेंड सीटिंग में जियोग्राफी था, जियोलॉजी था, मतलब साइंस वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज था, कॉमर्स वालों के लिए साइकोलॉजी था, आर्ट्स वाले बच्चों को। तो ये वाला डेट में बदलाव किया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा टाइम आप लोग को मैट्रिक वालों बच्चों को नहीं दिया गया। देख लीजिए, है ना, मैट्रिक वालों को वही एग्ज़ाम आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में ही होगा और 25 तारीख को होगा, मतलब 24 मार्च को जो 24 को होने वाला था 25 को एग्ज़ाम होगा। तो ज़्यादा आप लोग को राहत नहीं है, तो आप लोग मैथ्स का प्रिपरेशन में ध्यान दीजिएगा, टाइम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट वालों को देख लीजिए 5 अप्रैल को होगा, टाइम अच्छा खासा मिल गया है, 5 अप्रैल को होगा। और जियोलॉजी का ISC वही सारा सब्जेक्ट्स उसी तरह से होगा, फर्स्ट सीटिंग में ही होगा, आप लोग का एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जबकि पहले कौन सा सीटिंग में था, पहले देख पा रहे होंगे सेकेंड सीटिंग में था, ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट सीटिंग में होगा। तो आप लोग के लिए अच्छा टाइम मिल गया, इंटरमीडिएट वालों के लिए तो अच्छा है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को अपडेट देना चाह रहा था कि CUET के बच्चे, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें। CUET को अप्लाई करना पर मस्ट हो गया है। कैसे अप्लाई करना है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको इसी वीडियो के यहाँ पे कॉर्नर पर जो वीडियो आएगा इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरूर देख लेना, उसके बाद आप लोगों को कोई तरह का परेशानी नहीं रहेगा कि CUET का फॉर्म भरना कैसे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सबसे अलग तरह का कॉन्टेंट मिलेगा और बहुत ही विशेष यहाँ पर अपडेट दिया जाता है, ठीक है, और उनको कवर किया जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए नए जुड़े हो तो, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। यहाँ पे वीडियो के लास्ट में मॉडल पेपर भी दिख जाएगा, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवाया है, PDF भी दे रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो आवश्यक सूचना है आप लोग समझ लीजिए कि जितने भी BBU DU जो भी हैं, SKMU BBMKU जो भी झारखंड के यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अगर BA BSc BCom BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी झारखंड के या कोई भी ऑल अदर यूनिवर्सिटी, जो भी ये सारे कॉलेजेस हैं, कहीं पे भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको NTA द्वारा जो CUET का एग्जाम जो हो रहा है कंडक्ट, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना यहाँ पे कंपलसरी हो गया है। कैसे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आप लोग बोल रहा हूँ मैं फिर से, कि यहाँ कॉर्नर पर वीडियो मिलेगा, वीडियो के लास्ट में जरूर देख लेना। और 12th वाले बच्चों का मैंने मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन करवाया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, तो जरूर से देख लेना, जरूर से देख लेना, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं लाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो लोग फर्स्ट बार जुड़े हुए हैं। और लास्ट डेट याद रखिए कि 12 मार्च तक है CUET का, और 9 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, 11:30 बजे तक वाला दिमाग मत रखिएगा कि 11 बजे तक कर सकते हैं, नहीं, आप 9 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कल परसों तक में ही 10-11 तारीख को ही आप लोग कंप्लीट कर लें। और ये वाला एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले हमारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, सारा आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और भी कोई तरह का आपको दिक्कत होता है तो हमारा इंस्टाग्राम ID लिख लीजिए, आप फॉलो करके वहाँ पर हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी मैं बता देता हूँ, आप लोग जुड़ जाइए आज ही हमारे से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम का देख लीजिए, NAVHA, ठीक है, ये हमका इंस्टाग्राम ID है, इंस्टा का। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, NAVHA, आप फॉलो जरूर कर लेना, ये चैनल का ही इंस्टाग्राम ID है, और आपसे वहाँ पे बात भी हो पाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन करना मस्ट है, वहीं पे सारा चीज़ मिलेगा अपडेट। बोर्ड आभा BORD बोर्ड, जो चैनल का नाम है आभा AABHA, और ब्रैकेट में लिख देना जैक बोर्ड, ये लिख के सर्च कीजिए, ये लिख के आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिए बोर्ड जैक बोर्ड, आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग के लिए बहुत मस्ट है, सभी तरह का अपडेट वहाँ पर मिलता है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह, है ना, तो उसके तरह से सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको
एग्ज़ाम के टाइम में इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, वहीं पे चैनल पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा। बाकी मॉडल पेपर भी जल्दी जल्दी करवा दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाइए और जो भी अपडेट आता है यहाँ पे मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं हमारी ओर से, आप लोग विशेष ध्यान दें एग्ज़ाम को। धन्यवाद।